हमारा सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, दो खास सेवादारों सहित एक युवती गिरफ्तार। ममता की मेगा रैली, 20 विपक्षी दलों के नेता मौजूद। आरएसएस नेताओं की हत्या की साजिश के आरोप में दाऊद के 3 साथी गिरफ्तार। तो देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर चर्चित मयूर महाराज आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया है। लंबी जांच पड़ताल के बाद आखिरकार इंदौर पुलिस ने 3 लोगों को उनकी मौत का जिम्मेदार माना है, जिसमें महाराज के खास सेवादार विनायक दुधाने, शरद देशमुख और एक युवती भी शामिल है। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों लंबे समय से उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे, ब्लैकमेल कर रहे थे, जिससे वह इस कदर आर्थिक और मानसिक रूप से शोषित हो गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। कोलकाता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस आज कोलकाता में संयुक्त विपक्ष की रैली का आयोजन कर रही है। ममता बनर्जी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान पहुंच चुकी है। इस रैली में विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। बता दें कि टीएमसी की यह संयुक्त विपक्षी रैली ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में हो रही है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले इस रैली का आयोजन विपक्षी एकता दिखाने के लिए किया जा रहा है। इसके जरिए ममता बनर्जी विपक्षी एकजुटता का जोरदार प्रदर्शन करने वाली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों लोग दक्षिण भारत में आरएसएस नेता समेत कुछ दूसरे नेताओं की हत्या की साजिश रच रहे थे। इनकी पहचान अफगानिस्तान निवासी वली और मोहम्मद, मदनगिर निवासी शेख रियाजुद्दीन और केरल निवासी मुथासिम सीएम के रूप में की गई है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।